अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी यार मैं सो के उठा हूँ, पता नहीं जिमी और ट्रेसी ने सुबह सुबह क्या शोर मचाया है यार। इनका रोज का यही ड्रामा है, क्या तमाशा बनाया है भाई। आगे से हटो जिमी, मुझे मैं नहीं हट रहा, मैं नहीं हट रहा। क्या तमाशा लगाया है भाई पापा, ये मुझे कार्टून देखने नहीं दे रहा। क्यों बहन को कार्टून नहीं देखने दे रहा पापा, ये कब से देख रही है। मैंने कहा एक मुझे रेसलिंग देखने दे और देखने ही नहीं दे रही। क्यों नहीं देखने दे रही बेटा, आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया करो ना। पापा हमेशा खेलता भी नहीं है, रात को भी इतने गुड़िया गुड़िया नहीं खेला, सुबह भी इतने टीचर टीचर नहीं खेला। मैं टीचर बनूं और ये खेल भी नहीं रहा मेरे साथ। हाँ क्यों नहीं खेलते भाई, पढ़ाई वाला खेलते हुए तकलीफ होती है, टीचर टीचर खेलते हुए तकलीफ होती है। पापा मैं खेल रहा था, मुझे कहती है मैं तुझे पढ़ाऊंगी, फिर मुझे पढ़ा रही थी और फिर सोटियां मारी जा रही थी कब से। पापा टीचर सोटियां ही तो मारती है। हाँ सोटियां मारती है, शाबाश सही है, बहुत अच्छी बात है भाई। एक दूसरे को मारो सोटियां सरों में, सर फाड़ दो एक दूसरे के। पापा जैसे नहीं होता, पापा जे मुझे मारती है, मैंने इसको कभी मारा ही नहीं है। तो टिंडे की शक्ल वाले बहनों को मारेगा तू। पापा मैंने सिर्फ बात की है पापा। पापा छोले इसको मेरा चश्मा तो देखे। हाँ माशाल्लाह, देखे कैसा चश्मा पहना है इसने, नबीनों वाला। पापा प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ हाँ बेटा, टीचर लग रही हूँ ना टीचर। बिल्कुल वेल्डर लग रही हो बेटा, माशाल्लाह वेल्डर टीचर। हाँ वेल्डर टीचर, शाबाश। पापा ये बड़ा महंगा चश्मा है। हाँ पैसे कहाँ से लिए। पापा मामा से लेके गई थी मैं। अच्छा। और मैंने ये चश्मा लाया, हर माल हर चीज 10 रुपए थे। पापा झूठ बोली, आपकी जेब से पैसे निकाले इसने। हाँ जेब से निकाले बेटा, ये तो बुरी बात होती है। पापा मैंने पैसे तो निकाले थे, इसको भी आधे दिए थे ना पापा। तुझे भी आधे दिए। पापा मुझे तो 5 रुपए दिए थे बस। तो 5 रुपए लेके तुम बूता बंद कर लेते। पापा मैंने तो बूता अभी कॉल नहीं दिया। तो पैसे क्यों फिर लिए थे। पापा धक्के ना लगाएं। धक्के ना लगाएं, बकवास नहीं कर आगे से। पापा मैंने लिया हर माल हर चीज 10 रुपए 10 रुपए। शाबाश, सस्ती मिल गई ना पापा। बहुत सस्ती मिल गई भाई, आपके लिए भी लाऊंगी अगली बार 10 रुपए की। शाबाश शाबाश, 10 रुपए 10 रुपए। वाह भैया क्या बात है, जल्दी आ जिमी शोरूम चले, स्कूल तो तुम लोगों ने जाना नहीं होता, रोज की छुट्टियां की होती हैं तुम लोगों ने। जल्दी आ। जी पापा आ रहा हूं। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा टिंडे। पापा एक तो पहले आप गंज कराते हैं और पीले टिंडे टिंडे बोलते हैं। तो क्या बोलूं तुझे, स्कूल क्यों नहीं जाता। पापा मैं तो जाने वाला था, फिर मामा ने कहा तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ मामा तो कहेगी तबीयत खराब है, तेरी रोज तबीयत खराब होती है। कभी पढ़ाई के बारे में भी सोचा या नहीं, क्या करना है आगे जिंदगी में। पापा मैंने आगे जिंदगी में बड़े काम करने हैं। बड़े कौन से, मजदूरों वाले। पापा वो बोले नहीं, मैंने जिंदगी में कुछ नाम कमाना है। बेटा और सब कुछ तो कमा सकता है पर पैसे कभी नहीं कमा सकता। पापा जब नाम कमाऊंगा ना फिर पैसे मेरे पास खुद भाग के आएंगे। और ना आए भाग के फिर पापा मैं भाग जाऊंगा ना। बेटा फिर तो तुझे मैं ढूंढ के निकाल लूंगा जहाँ भी भाग के जाएगा। पापा देखे ना फिर ऐसे बच्चों को काम नहीं करने देंगे, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। बेटा काम मैं तो तुम्हें करने दूंगा, पर ये तुम तमाशे लगा रहे हो, स्कूल नहीं जाते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। स्कूल भी जाओ साथ काम भी करो। सही खोता हूँ ना, जैसे काम भी करो, स्कूल भी जाओ, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, लोज कीजिए तुमसे। क्या बोल रहा है, मुंह में क्या खुसफुस कर रहा है। पापा मैंने तो कुछ फुस किया ही नहीं है। हाँ कुछ फुस किया नहीं है, मैं तुझे फुस करता हूँ, रुक कैसी गुब्बारा ना हो तो। पापा हाल ये ना बोला करें। क्या बोला करूँ तुझे। पापा आप ना मुझे बोला करें जिमी द सुपरस्टार, जिमी द रैपर। चल रहे रैपर बड़ा आया, मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही है, ठीक है ना। पापा वैसे कौन सा, दुनिया के लिए कौन सा रैपर हूँ, दुनिया के लिए भी तो बचा ही हूँ अभी तक तो। हाँ हाँ जो गंदी आवाज़ में तू गाने गाता है ना, कोई भी नहीं देखेगा तेरे गाने। और ये क्या तमाशे लगा के खड़े में, हर किसी को ना सोशल मीडिया का भूत चढ़ा हुआ है। आपको आपके बाप का वास्ता, आपकी माँ का वास्ता, लाइक कर दे लाइक कर दे। वास्ता वास्ता भी नहीं बोल रहा था, वास्ता नहीं बोल यार, ऐसे कोई लाइक नहीं करेगा। मैं तुझे बताता हूँ, तू ये बोल के ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, लाइक ठोको ऐसे। हाँ, बोल। मैं लड़का बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, लाइक ठोक दीजिए। चल शाबाश, पीछे हट मत, तुझे 2 थप्पड़ ठोक दूं, बेईमान आदमी। यार मेरी पब्लिक भड़क जाएगी फिर तुझे ऐसे ही मार मरा। माइकल तेरी बनाता है टिकटॉक, सामने खड़ा। हाँ बना, बोल चल बोल कुछ। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं माइकल हूँ। पापा जे ना बस रहने दे। क्या फिर कुछ बताओ? और बोलना यार कुछ फनी, मतलब जो ट्रेंडिंग पे चला जाए, ट्रेंडिंग नंबर 1। अच्छा यार तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ ऐसा जो ट्रेंडिंग पे चला जाए। हैं यार कुछ भी ऐसा बोल दे जो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला जाए। रमजान है ना, कोई नेकी की वीडियो बनाओ, ट्रेंडिंग पे जाएगी। हाँ नेकी की वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बनाऊं है।
यार अब ज्यादा देख, मैं बताता हूँ तुझे, देख मैं पीछे लगाऊंगा, अभी तू खड़ा रहना यहाँ पे, मैं लगाऊंगा पीछे के रमजान आया रोजे रखो जी, देखना इतने व्यूज आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फ्रॉड लगाते हो हैं? पीछे लगाते हैं नूरे रमजान जी। पापा जी मैं भी रोजे रखूंगा जे वाला पड़े ना। चुप करके हटाओ इसको, हटाओ, शाबाश, हटाओ इसको। ये देख अजीब गुस्से कर रहा है यार तू, तमाशे लगा के खड़े हुए मार रहे थे हम, शोए मार रहे थे बेईमान आदमी। अब शीजे तू यहाँ पे खड़ा होके इनके साथ तमाशे लगा रहे, तेरा काम बनता था तू शोरूम की गाड़ी बिकवा। यार बिक गया, इस गाड़ी का सौदा हो गया, वो ड्राइवर का दोस्त आ रहा है, वो आज इस गाड़ी की डील करेगा। अच्छा ले जाएगा गाड़ी को, चलो देखते हैं ना। तभी तो हम टिकटॉक बना रहे थे भाई, गाड़ी के साथ थोड़ी शो मार रहे। अच्छा चलो गाड़ी बेच दी यार तुम लोगों ने, कितने की बेची? ये अभी वो आएगा तो फिर फाइनल करेंगे ना। फाइनल करेंगे, ये 9 लाख रुपए की बेच दो, करोड़ों की गाड़ी है ये। नहीं नहीं और इतने पागल हम भी नहीं है, हमें भी पता है कितने की गाड़ी है कितने की बेचनी, अपना मार्जिन बीच में रख के बेचेंगे इंशाल्लाह। हाँ। मसले की बात ही कोई नहीं है। ठीक है आ जा शाबाश। ये करना कल माइकल, करोड़पति आदमी है, बस तू चाय का इंतजाम कर। हाँ करोड़पति आदमी है पर तेरा दोस्त है तो मुझे लग तो नहीं रहा करोड़पति तेरी तरह ही होगा। नहीं नहीं मेरी तरह नहीं है, मेरे से 400 गुना ज्यादा अमीर है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। पापा मुझे क्यों डिक्के लगा रहे हैं? तुझे डिक्के लगाने पड़ते हैं ना बेटा, तू सामने खड़ा हो जाता है रस्ते में। अच्छा आ जाओ बैठो यार, रोजे में कुछ खा भी नहीं सकते, पंखे चलाए हुए हैं? पंखे नहीं चलाए हुए यार तुम लोगों ने, ये चलाए हुए। अच्छा अच्छा हवा ही नहीं लग रही यार आजकल, गर्मी ज्यादा होती जा रही है ना। हाँ मैं नया पंखा लाता हूँ फिर इंशाल्लाह हवा आएगी। मैं थप्पड़ मारूंगा, बिल तेरा बाप भरेगा, इतना सारे पंखे लगाई जा रहा है लगाई जा रहा है। पापा आज हम इस तारी बाहर न करें। क्यों बाहर करें? पापा हम की गाड़ी नहीं बिकी। हाँ यार बच्चा सही कह रहा है, अफ्तारी तो बाहर बनती है ना यार। तो फिर आप पैसे दे दो सैरी के भी, अभी तक आपने मुझे पैसे नहीं दिए जो करवाई थी ना मस्जिद के नमाजियों को, आपने पैसे शैसे भूल गए बस। वो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो मेरे पैसे पड़े हैं, वो मैं लेके आता हूँ घर से, मुझे याद नहीं रहते लाने। तकिए के नीचे से निकाल भी ले पैसे फ्रैंकलिन। हाँ वो मैंने बताया था ना तुझे, रुमाल में बांध के तकिए के नीचे रखे हुए मैंने पैसे। चलो सैरी मैंने कराई है, अब ट्रेवर वेल्डर साहब अफ्तारी कराएंगे ठीक है। हाँ ठीक है आज की अफ्तारी मेरी तरफ से, क्योंकि गाड़ी मैंने बिकवाई है। अच्छा शादी कब करनी है फिर तूने बता, कोई सीन है कि नहीं? सीन है बस, बाबे के घर रिश्ता ले जाओ, पक्का कर देगा फौरन। मैं क्यों ले जाऊं भाई, तू मेरा भाई नहीं है बड़ा? बड़ा भाई हूं बेशक, पैसे दे फिर ले जाएंगे। थोड़े पैसे तो यार बनते हैं ना, बड़ा भाई हूँ देखो, साथ में आपकी भाभी को लेके आऊंगा, उसके बाद इस मनहूस को भी लेके आ जाऊँ क्या पता। चलो 5-5 रुपए सारों को दूंगा। 5-5 रुपए ना उस बार जाके ना लोगों को भीख बांटो, भिखारी आदमी 5-5 रुपए दूंगा, औकात दिखा देते हैं अपनी। अच्छा यार उस बात को छोड़ो, अफ्तारी का कुछ करते हैं। अफ्तारी नहीं करनी है, अब गाड़ी बेचो ना पहले फिर अफ्तारी कराते हैं। हाँ चल लेके चलते हैं ना शोरूम, वो उधर सैंडी शोर्स गाड़ी, सैंडी शोर्स लेके जानी है। हाँ वो तो बोल रहा है अमीर बंदा ना यार, अमीर बंदों के नखरे उठाने पड़ते हैं थोड़े। अमीर बंदे रहते भी हैं सैंडी शोर्स में? यार पता नहीं ये ड्राइवर बोल रहा है, वैसे तो वहाँ मैंने तो सारे गरीब गरीब ही देखे जी। आप भी पहले उधर ही रहते थे ना? मैं उधर रहता था तो मैं गरीब नहीं था ठीक है ना, बकवास नहीं किया कर मोटे। तू जिस दिन अपना कुछ कमा ले ना उस दिन बाप को बातें करी। पापा मैं कमा लूंगा एक दिन। चल ड्राइवर आ जा, मैं गाड़ी जरा अपनी साइड पे लगाता हूँ, फिर निकालो रोल्स रॉयस को, मैं ही निकालूंगा बल्कि मजा आएगा, पहली बार रोल्स रॉयस चलाऊंगा यार जिंदगी में, पहली बार चलाऊंगा भाई, मैंने पहले कभी भी नहीं चलाई क्योंकि मैं गरीब था यार, अब मैं अमीर होता जा रहा हूँ, दिन ब दिन मेरी गाड़ियाँ बिकती जा रही हैं, शोरूम हमारा भाई मैप पे आ गया है ठीक है, मतलब शोरूम ऑन द वे हो चुका है ठीक है। चलो भाई यहाँ पे कर दिया, ये आ गई हमारी खूबसूरत सी रोल्स रॉयस, और बाबा जी को मैं कॉल करता हूँ। चलो भाई मोबाइल निकालो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम बेटी। अच्छा वो मैंने कहना था यार आपने गाड़ी डिलीवर करनी थी, आए क्यों नहीं है? बेटी वो मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत आपकी रोज़ ख़राब होती है, रोज़े रखने हैं नहीं? बेटी रोज़े किधर रखूँगा, बूढ़ा आदमी हूँ। बूढ़ा आदमी है यही आपका रोज़ का ड्रामा है, चले आए शाबाश, फिर जाना है उधर गाड़ी डिलीवर करने रोल्स रॉयस। माशाल्लाह बेटी इफ्तारी कराओगे फिर? हाँ इफ्तारी कराएंगे, आप तो वैसे ही इफ्तारी करते रहते हैं हर वक्त। नहीं नहीं बेटे ऐसी बात नहीं, अच्छा मैं आता हूँ ठीक है फिर। जल्दी आए शाबाश, ट्रक बाहर ही खड़ा हुआ है, आप पहुँचे जल्दी करें। ठीक है बेटे अल्लाह हाफिज़। चलो भाई शुक्र है ये आ रहा है, अगर ये ना आता ना आज मैं इसे फारिग कर देता भाई, मैं नहीं रखता यार ऐसे बंदों को, काम चोरों को। पहले एक मेरा भाई काम चोर है, उसके बाद ये साला काला हब्शी फ्रैंकलिन काम चोर है, तो यार इन दोनों को भी रखा हुआ है, बट ये अपने रिश्तेदार हैं यार, ये फिर भी थोड़े बर्दाश्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बाहर का कोई बंदा है तो भाई वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। चलो भाई ये गाड़ी निकाल दिए बाहर, इधर साइड पे लगा देते हैं पार्किंग में। ओए होए होए मैं कहता हूँ यार इस जैसी गाड़ी है ही नहीं कोई यार, रोल्स रॉयस क्या बात है। जल्दी आओ भाई बाहर, 2 घंटे हो गए अभी तक ये बाबा नहीं आया, पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ इसने यार। यार उस बेचारे के सर पे बेटी की जिम्मेदारी है, इसी वजह से लेट हो गया होगा। बेटी की जिम्मेदारी है ना, तू अपने तमाशे लगा रहे, तेरी होने वाली बीवी जो है वो
हाँ सर पे जिम्मेदारी लिए लिए घूम रहा होगा बेचारा, कहीं भटक रहा होगा। भटक रहा होगा यार, अभी तक नहीं आया, 2 घंटे हो गए, फिर चलें खुद ही क्या। यार फिर से कॉल ट्राई कर, आ जाएगा, थोड़ी देर वेट करते हैं, 5-10 मिनट फिर चलते हैं। ठीक है, कॉल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटी, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं यार, कब तक पहुंचेंगे यार आप? 2 घंटे हो गए हैं यार, हम बाहर खड़े हुए हैं, बाहर धूप में, आप अभी तक नहीं पहुंचे। यार बेटी बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर सब्र करो बस, ये थोड़ा सा सामान लेना था इफ्तारी का, बस मैं आता हूँ। चलें जल्दी पहुँचे यार, ज़रा काम है ना, देखें बाबा जी थोड़ा सा तो बंदा जल्दी आ जाता है। ठीक है बस बेटी मैं आ गया। चलो बेटी। पापा ये मेरे सर थे, बॉस थे। अच्छा डांट रहे थे? हाँ डांट रहे थे थोड़ा बहुत, बस काम पे जल्दी नहीं पहुँचता ना बेटे। तो आप ट्रेवर को कहा करें ना, इनसे बात करें कि आपको डांटा नहीं करें। हाँ ट्रेवर को बात करूँगा, पर तुम करोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको, तुम उसकी होने वाली बीवी हो तो थोड़ा लिहाज करेगा ना। चले मैं कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है बेटे, और वैसे तुम उदास तो नहीं हो, मैंने उस बुद्धे के साथ तुम्हारा रिश्ता कर दिया? नहीं उदास तो नहीं हूँ, इतना भी बुरा नहीं है पापा। हाँ बस थोड़ा है बुद्धा सा है ना। कोई बात नहीं, आप जो भी सोचेंगे मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। हाँ ये कितनी अच्छी बच्ची है कसम से, तू अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। आमीन पापा आमीन। अच्छा और बाकी दिल का बुरा नहीं है लड़का? और अच्छा? बहुत पैसे खर्च करेगा तुझ पे, बहुत अच्छा? प्यार करता है तुझसे। पापा वो कॉलेज की फीस तो लेके दें, सॉरी यूनिवर्सिटी की। अभी लेके देता हूँ मेरी बच्ची, चलो अभी 50,000 है। कहाँ लेके जा रहे हैं पापा? बेटी गिरना नहीं पकड़ के बैठना, ये लेके किधर जा रहे हैं? बताता हूँ। कितनी प्यारी जगह है। हाँ ये तुम्हारी मेरे त्रेवर बेटे की जगह है। अच्छा चलो। ओए यार ये कौन आई है इसके साथ, क्या बकवास कर रहे हबसी? ओ, मैं कह रहा हूँ बाबा जी किसकी बच्ची को उठा लाया, शर्म नहीं मेरी आती? बेटी है, मेरी बेटी है कुत्ते। आपकी बेटी इतनी खूबसूरत हो सकती है? क्या बकवास कर रहे, चुप करके बैठ। माशाल्लाह प्यारी बच्ची है, मेरी बहनों की तरह। बकवास बंद कर, मैं मारूंगा तुझे। तू क्यों इतना फ्री? ये ट्रेवर बेटे की होने वाली बीवी है। अच्छा ये अल्लाह तआला, लॉटरी निकल आई है यार ट्रेवर, तेरी कसम से। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देख के ठीक हो गया हूँ जी। मेरा मतलब है नहीं, मैं पहले भी ठीक था। कितनी प्यारी है माशाल्लाह, बाजी बहुत प्यारी है आप माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ट्रेवर। वालेकुम सलाम। पापा कहते रहते हैं कि ट्रेवर बेटा बड़े अच्छे, ट्रेवर बेटा बड़े अच्छे। मैंने कहा आज मिल ही लूं आपसे, इतने भी बूढ़े नहीं है आप। जी जी अभी तो मैं जवान हूँ, बस 40-45 के ही है, लगते नहीं है वैसे इतनी उम्र के। मैं 30 साल का हूँ, आपको किसने कहा मैं 40-45 का हूँ? शर्म करें, 30 की तो मैं हूँ। हाँ 10 साल का ही फर्क है। थोड़ा बोल बेटी। अच्छा चुप करो, वो बात करो ना बेटी, तुम और बातों में लग गई हो। हाँ वो मैंने आपसे कहना था ट्रेवर के, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस जो है ना वो जमा करवानी है, तो पैसे नहीं है मेरे पास। ओ आप मुझे बता देती ना पहले ही, कितनी जमा करवानी है? यही कोई 50,000। जी जी साल की एक साथ जमा करवा दूँ? साल की एक साथ? हम कहते हैं थोड़ी सी चीज खिला दें, और खिलाते नहीं हो इधर 50,000 दे रहे हैं। होने वाली बीवी के लिए निकलेंगे पैसे जेब में? बेटी होने वाली बीवी के लिए नहीं निकाले, अपना फ्यूचर ना देखे तो तुम्हें देखे। हाँ 2 मिनट अभी चुप हो जाओ भाई, बात करने दो हमें। चलिए आप अकाउंट में ट्रांसफर कर देना जितने आप कर सकते हैं अपनी खुशी से। जी जी अकाउंट नंबर दे दें आप, आपके पास है तो सही, जिस अकाउंट पर पापा को ट्रांसफर कितने पहले भी पैसे। अच्छा उसी में, मैंने कहा आपका अलग। हाँ बेटी उसी में करने हैं, बेटी के साथ कोई अभी जब तक शादी नहीं होती कोई नंबर संबर नहीं, ठीक है ना बेटी? हाँ, जी जी ठीक है। चलिए पापा मैं जाऊँ घर। जी बेटे जाओ, स्कूटी ले जाओ, मैं छोड़ आता हूँ अपनी गाड़ी में आपको। नहीं नहीं वेल्डर साहब आप बैठो अभी इधर, ठीक है ना, वो खुद चली जाएगी। ठीक है बेटे जाओ, मेरी प्यारी बच्ची ध्यान से जाना। जी पापा। यहाँ बाप बोल रहा है, इसको नहीं बोलना जवाब, बाप को नहीं देना उधर। अल्लाह हाफिज ट्रेवर। इतना अच्छा है यार, ये तो एक ही दम से इतने सारे पैसे दे दिए इसने मुझे। आधे पैसे खुद रखूंगी, आधे पैसे पापा को दे दूंगी, फीस भरूंगी यूनिवर्सिटी की, और फिर जो बाकी बच जाएंगे उसकी शॉपिंग कर लूंगी थोड़ी सी। यार इतनी अच्छी हूँ ना मैं कसम से। चलो बेटो जब तक माइकल बाहर रोल्स रॉयस लेके आते हैं हम लोग ट्रक में बेचते हैं। ठीक है बाबा जी। जी जी बाबा जी ट्रक सही से चलाना, मेरे पापा का ट्रक है। अच्छा बाबा जी आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो कौन सी बात? ये माही किस कॉलेज में पढ़ती है? ये तो मुझे नहीं पता है बेटे, मुझे बता देना जरा। क्यों बता दूं जरा? नहीं नहीं वैसे मालूमात के लिए। मालूमात के लिए ना पूछा करो, ठीक है ना, मालूमात के लिए मालूमाती वीडियोस देखा करो, ठीक है? जी जी ठीक है। हाँ मालूमात के लिए पूछना है। बहुत थरकी हो रहा है बाबा जी आजकल, अभी शादी हुई नहीं है पहले थरकी हो रहा है।
हाँ कोई शर्म हया होती अब ये क्या भाई लड़का लड़की मिलते रहे ठीक है ये गलत बात होती ये है ये बात नहीं होती बेटे अब मैं यही सोच रहा है ना कि माही जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है मैं पता लगाऊंगा फिर उसको लेने जाया करूंगा ये सोच रहा है ना ट्रेवर तू ये सोच रहा है हाँ जी चाचू को यही गलत सोच होते हैं यही काम होते हैं हाँ ऐसे काम नहीं सोचने चाहिए नहीं तो पकड़ के मारेंगे तुझे सारे चलो यार अब गाड़ी लेके निकलते हैं कब से बाबा जी खड़े हुए हैं ट्रक लेके और बाबा जी मैं आ गया बड़े एहसान किए बेटे जल्दी से गाड़ी चला ऊपर कब से हम खड़े हुए हैं धूप के अंदर तुझे पता नहीं है हमारे ट्रक में एसी नहीं है हाँ हाँ बहुत पता है बाबा जी बहुत रोने ना शुरू कर दिया करो हमारे सामने ठीक है ना तनख्वाह देते हैं ना बहुत है चलो मैं गाड़ी चढ़ाता हूँ जल्दी चढ़ा बीते जी जी चढ़ा रहा हूँ ऐसा लगता है ऑनर ये है मैं नहीं हूँ शोरूम का ऑनर रस्सी बांध दूँ यार चलो भाई रस्सी मैंने बांध दिया बाबा जी 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 बीते मैं खींच रहा हूँ अच्छा मैं ऊपर लटक के आ जाऊँ जी बीते बस इसको पकड़ लेना ये डंडे को जी जी बीते चढ़ा दिए बस अभी इसे ऊपर करने इसे ऊपर करें ना फिर मैं ऊपर लटक के आ जाऊँ साथ ठीक है बेटे ध्यान से यहाँ से बहुत जोर की चोट लगेगी गिरे तो नहीं नहीं गिरता नहीं हूँ आप चढ़ाएं तो सही ऊपर तो करें पूरा बांध है ऐसे ही कहीं गिर गया ना तो मेरी बहन बेवा हो जाएगी नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता तू चुप करके बैठ खुद तो अंदर बैठ के मुझे बैठने नहीं दिया हाँ तो और लेट आना उधर रोल्स रॉयस के साथ चिपक के खड़ा हुआ है भाई रोल्स रॉयस पहली बार देखने को मिल गई भाई हट जाओ अल्लाह का नाम लो हट गए ना एक तो रोजे में सारे गुस्से में आए होते हैं मुझे गुस्सा आया ना जिस दिन देखना फिर दुनिया में आखिरी दिन कार हाँ हाँ नाइस कार कैसी लगी आपको बहुत अच्छी है आप क्यों इतनी फ्री हो रहे हैं या अच्छा अच्छा जाएं जाएं गुस्सा क्यों कर रही हैं चलो बेटे माइकल चढ़ा दूं ऊपर जी जी आराम आराम से चढ़ाएं ऊपर जी जान दे चढ़ जाएगी बस थोड़ी सी रह गई है ये ना गाड़ी स्लिप तो नहीं करेगी नहीं नहीं बेटा रस्सी पक्की है कोई मसला नहीं ऐसी टाइट बांधी है ना मैंने टेंशन नहीं लेनी बांधी तो मैंने नहीं नहीं बीते ट्रक में ऐसा सिस्टम मैंने लगवाया है ना तुम्हारे के लिए अच्छा अच्छा बहुत अच्छा काम किया चढ़ गए बस जी हो गया चलो बीते जल्दी करो ऊपर चढ़ो जल्दी करो टाइम नहीं है ठीक है चाचा जी मैं बैठ गया हूँ आराम से निकालना जी जी बीते ठीक है माइकल वैसे गिरा तो तेरा इलाज होना बड़ा हाँ वो तेरा जो बीते रूल्स रूल्स पे पापा इतने प्यारे लग रहे हैं कसम से उधर से निकाले ना बाबा जी रॉन्ग वे पे जा रहे हैं जी जी बीते ध्यान से निकाल रहा हूँ बड़ी मुश्किल होती है यार ट्रक चलाने में फिर चलाते क्यों है बेटे क्या करूं पैसों के लिए चलाना पड़ता है अच्छा, यार अंदर अच्छा, वैसे जगह थी एक सीट खाली थी अगर बैठ जाता माइकल यहाँ पे तो यार इतनी ठंडी हवा है ऊपर मैं क्यों बैठूंगा भाई और रोल्स रॉयस पहली बार देखने को मिली है भाई उसी के ऊपर चढ़ के बैठेगा इंजन शिंजन ना खराब करनी उस हाँ पापा इंजन ना खराब कर लेना गाड़ी का हाँ नहीं करता बाप को ना सिखा ठीक है ना और तू ड्राइवर चुप करके बैठ जा इसका दिमाग तू ही खराब करता है नहीं मैं नहीं खराब करता तेरा बच्चा और क्या बाकी हो गया ये बार बार यही कहता रहता है जिमी बाकी हो गया बाकी हो गया बाकी होता क्या इसे पता भी है ये मुझे तो लगता है दाढ़ी भी शेव करता है हाँ तो मैंने कब दाढ़ी शेव किया मेरी दाढ़ी अभी आई ही नहीं है है ना फ्रैंकलिन मामू हाँ तो और क्या आई ही नहीं है इसकी अभी उम्र ही क्या है 10-12 साल का कल परसों हुआ है जिमी बेटा टोपी भी लगाया करो टोपी हाँ तूने बड़ी लगाई भी है खुद मेरे साथ टोपी आती ही नहीं है क्या मतलब बेटा मेरे पास टोपी ही नहीं है सीधे जो बात है ऐसे बोल कल मैं ला दूंगा आपको सिंधी टोपी सिंधी टोपी ला के देना आपको पैसे लगाते हो तकलीफ होती है और आप ला के देंगे मुझे नहीं नहीं मस्जिद में पड़ी है छुपा के ले आऊंगा तेरे लिए छोड़े बुढ़े आप है ना फ्रैंकलिन मामू हाँ तो और क्या खुद टोपियां पहनता नहीं है दूसरों को तबलीग कर रहा है हाँ शर्म तो नहीं आती ना इसे बड़ा आया तू तो है ही काफर फ्रैंकलिन हाँ तू बड़ा मुसलमान है उधर रोजे रखता नहीं है खुद तू और छुप छुप के पानी पी रहा होता है कभी जूस पी रहा होता है हमें आके पूछता है बिरयानी खाओगे पता होता हमारा रोजा हमने कहना नहीं खानी और फिर खुद खा जाता है इतना बेशरम बेशरम आदमी है देख मैं कितना मेहमान नवाज हूँ मैं तुम लोगों से पूछता हूँ बिरयानी खाओगे क्या जो चीज खा रहा तुम लोगों से पूछता हूँ भाई मेरे दोस्त खा लें हाँ पता जो होता है रोजा इन्होंने खानी नहीं है तो खुद खा जाता है फिर तू वैसे कभी पूछा तुमने हाँ कभी नहीं पूछता बहुत बेईमान आदमी है इफ्तारी के वक्त पूछना है तो कल इफ्तारी करवाता हूँ तुम्हें ठीक है हाँ करा ना ये गाड़ी बिक रही है तो इफ्तारी कराई हाँ करवाऊंगा पर पैसे तू भी डालेगा बेटे हाँ मैं भी डाल दूंगा ऐसी कोई बात नहीं है बेटे कह रहा भाई को शर्म तो तुझे नहीं भाई बड़े भाई बड़े भाई अच्छा ये जाना किधर है ये तो बताओ गाड़ी लेके किधर जाना है यार उधर चला जाना सीधा सीधा हाँ सीधा सीधा मोटरवे पे बस मोटरवे पे ही गाड़ी छोड़ के आ जाए नहीं मोटरवे पे जाना उधर से लेफ्ट टर्न ले लियो मैं चला ही नहीं ना बाबे को बता जो साथ बैठा भाई तो बाबे को कह रहा हूँ ना तुझे कौन सा कह रहा हूँ अच्छा बीती किधर जाने बता ना फिर बता रहा हूँ ना बेटा सीधे जाओ फ्री नहीं हो बीती देखे मजाक बना रहे आपका मजाक नहीं बना फिर पता नहीं है मैं को बताऊंगा ना तुझे ऐसा सिद्ध करेगी ना जी जी बाबा जी नहीं माही बाजी को कहे कान खींच के रखे इसके बताता हूँ मैं उसको कान खींचे इसके जरा
वो ज्यादा बड़ी हो गई इसके कान। हाँ बहुत मुसल्ली ना हो तो चूरा। मुसल्ली चूड़े। अब समझ आइए ये औकात है तेरी। इस औकात में अल्लाह का नाम ले बाबा जी, अल्लाह का नाम ले, रमजान है। अल्लाह का नाम ले रहा हूँ ना, अल्लाह अल्लाह। तू बहुत बड़ा मक्कार है त्रेवर बेटी, तेरा आज मुझे पता चल गया मक्कार आदमी। बाबा जी मक्कार नहीं बाबा जी, ये बेकार आदमी है, फजूल चपरासी कहीं का। चपरासी ना हो तो इसे मैं ठीक कर रहा था जरा मही बेटी से। फ्रैंकलिन तू बार बार आके चूहिया लगा रहा है, हमारा आपसी मामला है। आपसी मामला किधर हो गया भाई? आपसी मामला तब होता है जब तुम लोग अकेले बैठ के हल कर रहे हो, इधर सबके सामने खोलोगे तो फिर तो हम कीचड़ उछालेंगे तुम्हारे ऊपर। इतनी प्यारी माही बाजी है तो बेटा बाजी ना कहना तो कसम से माही। जी जी माही जो तो उनका प्यारा नाम है, बकवास नहीं करो बेटो ठीक है ना। बाबा जी, बाबा जी पूरा नाम क्या रखा था आपने अपनी बेटी का? पूरा नाम मैंने रखा था, पता नहीं क्या रखा था बेटे, उन्होंने तो मुझे बताया था माहिरा, माहिरा नाम है इसका। हाँ हाँ बेटे माहिरा। हाँ हाँ अच्छा, उससे आपने माही बना ली। हाँ हाँ अच्छा, वाह बाबा जी कितने तेज है आप, मतलब मारक तेज ही नहीं चलता बेटे, इसमें क्या मसला है? बाबा जी मुझे लगता है इसकी ट्यूनिंग होने वाली है। ट्यूनिंग नहीं होती भाई, ट्यूनिंग होती है वो ही सर्विस होने वाली। जान नहीं है इस ट्रक में मेरे ख्याल से। बाबा जी आप ही ने दिलवा था 60 लाख रुपए जाया कराए थे, गांव तो होगा आपको धोखा जो किया था। मुझे लगता है खराब हो गया। चुप करें माइकल, फिर शुरू हो जाएगा खर्चा, एक और नया खर्चा, एक और ये तो एक और वो। चले चले चुप करके जाते हैं यार, भी तो पोलिटो भी जाना है, ऐसे नहीं शोर है। पोलिटो आइलैंड। पोलिटो आइलैंड क्या होता है बेटे? पोलिटो भी मजाक कर रहा हूं बाबा जी, सैंडी शोर जाना कितनी बार बाबा जी। बाबा जी नया नया इंग्लिश का कायदा पढ़ रहा है ना, जहिल गवार बच्चा है बहुत। ना कोई कानून ना कायदा, ट्रेवर का ना कोई फायदा भी तो। वाह वाह बाबा जी वाह वाह, दिल जीत लिया आज आपने। मांगे क्या मांगते हैं इस भिखारी से? मैं बेटे इससे दो तीन लाख रुपया चाहता हूँ, सादगी देख के चाहता हूँ। वाह 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 बाबा जी, शायर निकले आप तो। ओए चल ट्रेवर दे दो तीन लाख। इफ्तारी करना चाहता हूँ। इफ्तारी भी करवाते हैं, रोजे रखते नहीं, इफ्तारी करना चाहते हूँ। अच्छा सॉरी बेटे, मुझे दो अंडे वाले बर्गर। अब मैं बाबा जी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूँ फ्रैंकलिन। अच्छा खिलाफ बातें तो सॉरी तू कर रहा है भाई मेरे। मैं तो कोई खिलाफ बात बेटे तू ही कर रहा है, सही बोल रहा है। सही कह रहा हूँ ना बाबा जी, मैं अच्छी चुईया लगा लेता हूँ ना। जी जी बहुत अच्छी। अपनी बीवी के भाइयों का इतना काम है ना, तीली लगाने वाला जो आपको पता नहीं है। सारी तीलियां तो मैं ही लगाता हूँ बाबा जी, जो मेरी बीवी है ना उसके भाइयों में जो मैंने फूट डलाई है, उफ इतनी लड़ाई कराई है बाबा जी कसम से, एक दूसरे के खून के प्यासे कर दिए बेटे बहुत। माशाल्लाह बस कभी गरूर नहीं किया, तभी ट्रेवर और माइकल की लड़ाई भी कराते हैं। बस ये इसका भी सारा सेहरा मेरे सर जाता है बाबा जी। वाह वाह बेटे। अच्छा बेटे अब बताओ किधर जाना है? उसने कहा था शेल पेट्रोल पंप से लेफ्ट लेना है। अच्छा शेल पेट्रोल पंप से लेफ्ट, शेल से पहले थोड़ा पेट्रोल भरवा ले हैं, क्या कहते हो? हाँ भरवा ले, इतना लंबा सफर था। खोता है ये पूरा हैं? शुक्र है गाड़ी को कुछ नहीं हुआ बाबा जी। बाबा जी आप खोते हैं, ठोक क्यों रहे हैं? बाबा को खोता ना बोल ठीक है ना, बाबा गधा है गधा है बाबा। बाबा जी ढेचू ढेचू तो करें, वो तो मेरा दामाद करेगा ना त्रेवर। वाह बाबा जी वाह कसम से, क्या स्वैगी लाइनें बोलते हैं यार, बोलते हैं ना बाबा जी सही शॉट है। लेफ्ट ले लें इसे बाबा। अभी तो बस तुम्हारे साथ रे की थोड़ा स्वैब आ गया है। ओ थैंक यू बाबा। स्वैब नहीं होता वो, स्वैब होता है। हां इसी कंस्ट्रक्शन साइड पे है। अच्छा इधर कंस्ट्रक्शन साइड, इंग्लिश क्यों बोलता है? कंस्ट्रक्शन साइड इधर ही होते हैं। ओ भाई साइड नहीं होता, साइट होता है। कभी माही के सामने ये तू इंग्लिश बोलना तुझे वो सेट करेगी। अच्छा माही को बहुत इंग्लिश आती है? तू तो चुप करना, मैं ही के बहुत इंग्लिश आती है तुझे। बहन है मेरी भाई, क्या हो गया आप कैसे बात बच्ची की तरह, तेरी बच्ची की तरह तौबा करें, अब इतना भी मैं बच्ची की तरह चुप। हाँ छोटी बच्ची की तरह गोद उठा लूं बाबा जी, ये मेरे हाथों मरेगा काला, अब शी गई का। अच्छा किधर डिलीवर? इधर घर सामने सामने हो, जो बैंक नजर आ रहा है ना आपको उधर गाड़ी लगा दे, उधर तो कोई नहीं नजर आ रहा, इधर मोड़ लेना इस तरफ। अच्छा इस तरफ बेटे, ये चीज यहाँ खड़ा कर दे, वो आ रहा है। ठीक है ठीक है बेटे, मैं उसको कॉल करता हूं। प्यारी जगह है और। हेलो। हाँ जगह तो यार बहुत प्यारी है वाकई। हेलो। हाँ यार क्यों मकस शर्ट कर रही है, सुबह से कोले कर रहे हैं यार। टू ड्राइवर यार, तो गाड़ी मैं इधर ले आया हूँ, अब तू लेने नहीं आ रहा, जल्दी कर। हाँ बस पहुँच रहे हूँ यार, क्या हो गया टेंशन ना ले। ड्राइवर बेटे एक घंटा हो गया अभी तक वो नहीं आया तुम्हारा बंदा दोस्त। भाई 60 करोड़ गिन रहा होगा पैसे। हाँ गिन रहा होगा, और अगर वो नहीं आया ना मैं तुझे फिर ठीक करूंगा। यार क्यों नहीं आएगा, उसने मुझे बकायदा कॉल की है। बकायदा कॉल की है? कॉल भी कोई स्टेटमेंट होती है यार। हाँ मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये ड्राइवर स्कैम कर रहा है हमारे साथ, ये जलील कर रहा है, मजे ले रहा है। बेटे ऐसे ही कर रहा है, मुझे भी लग रहा है यार। गाड़ी पे ड्राइवर अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ड्राइवर अच्छा है।
हाँ यार बहुत अमीर आदमी है, मैं कह रहा हूँ 20 लाख तो मैं टिप में दे देगा। माँ चाचू मुझे लग रहा है आपके साथ उसने स्कैम की है, फ्रॉड की है। हाँ ये जिमी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। नहीं नहीं मैं कॉल कर दूँ 2 मिनट। हाँ हाँ कॉल कर, जल्दी कर शाबाश, पता कर टाइम नहीं है, अफतारी का टाइम, अफतारी का टाइम है, जल्दी कर। उसका नंबर बन जा रहा है यार, नंबर बन जा रहा है, दोबारा ट्राई कर शाबाश। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। चलो यार कब से ड्राइवर कॉले कर रहा है, जाके पहुँचता हूँ। गाड़ी ले आया मेरी, मैंने मंगाई थी। ओ देखो कितनी खूबसूरत गाड़ी है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी गाड़ी ना मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। पहली बार ही देख रहा हूँ, फिल्मों में सिर्फ देखी थी फिल्मों में, आज रियल लाइफ में देख रहा हूँ यार, क्या बात है। देखो डिलीवर करने यहाँ तक आ गया, बड़ा आदमी बन गया हूँ यार मैं। हाँ भाई ड्राइवर भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, आपने गाड़ी खरीदनी है? हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कारी साहब, जी जी बताएं, अब पैसे दें? गाड़ी मैंने खरीदनी है जी, पैसे भी देने? नहीं फ्री में लेके जानी है। वाह यार नेक लोगों। अब्बे की आपके? अबे की अबे तक ना जाओ यार, ये ड्राइवर भाई समझाओ इसको। अच्छा भाई सॉरी सॉरी, ये गुस्सा क्यों कर रहे हो? आराम से आराम से। क्या यार एक मैंने रोजा नहीं रखा, ऊपर से तुम लोग गुस्से दिखा रहे हो। रोजा रखा थप्पड़ मारूंगा ना, सारा ठीक हो जाएगा तू एकदम। अच्छा रुको मैं पैसे लेके आता हूँ। लो भाई मैं आ गया, ये देखो पैसे ले आया। ये तो थोड़े से पैसे लग रहे हैं। हाँ तो पूरा 60 है भाई, गिन लो बेशक, पकड़ो गिन लो। हाँ गाड़ी की राइड ले लूँ मैं? गाड़ी की राइड आप बाद में लेना, पहले हमें पैसे दे दें। यार पैसे ले लो, पैसों का क्या मसला है, ना मैं भाग रहा हूँ ना पैसे भाग रहे। ले पैसे लो, गिनने दे मुझे 2 मिनट, इधर दे पैसे। यार ये ले गिन ले यार, ड्राइवर तुझे ये एतबार नहीं है तो तेरे बंदे क्या एतबार करेंगे। चल बेटे गाड़ी तेरी उतर गई है। दादा जी गाड़ी तो बड़ी मस्त है कसम से। हाँ हाँ बेटे गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं इसको पहुँचा देता हूँ। किधर पहुँचानी है? किधर पहुँचाने की जरूरत नहीं है, निकलो बाहर मैं खुद ले जाता हूँ। निकल निकल, मोर के देता हूँ। बड़ी गाड़ी देखी नहीं, बीच में घुस जाओ, ये सही काम है। अच्छा अच्छा गाइज अभी आपको मैं इसके फिक्चर दिखाता हूँ, फिक्चर ही बोलते हैं ना, ये देखना फिक्चर, ये जरा तो इसके फिक्चर। चल ना यार फिक्चर बटन दूसरा तो नहीं दबा रहा, ये ना खराब कर दूँ। चल यार इसके फिक्चर चल गए तो देख लेना, ना चले तो ये देखो ना, शीशा शीशा खुला, ओ देखो गाड़ी ले गाड़ी। अच्छा फिक्चर बंद करके दिखाता हूँ, ये देखना शीशा बंद होगा गाइज, शीशा बंद हो। यार ड्राइवर तू इसलिए लाया था इस बाबे को साथ में, इस बुड्ढे को मैं सिर खोल दूंगा, निकाल इसको। बकवास बंद कर, अदब से। क्या मतलब अदब से, ससुर लगता है क्या तेरा? हाँ ससुर है मेरा बस। हाँ ये सही कहा, मैं गालियाँ दे रहा है उसको तू। नहीं नहीं भाई वाकई इस ड्राइवर बहुत किस्मत की, किस्मत इतनी चमक गई है, इस बाबे की ना बड़ी प्यारी बेटी है वो इसको दे रहा है ड्राइवर को। क्या बकवास कर रहे हैं बेटी? मैं कह रहा हूँ बाबा जी बहुत प्यारी बेटी आपकी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत। बकवास बंद कर दे, फ्रंट लेन में बता रहा हूँ तुझे। यार कसम से मुझे तो गाड़ी बहुत पसंद आ रही है भाई, अगर आपने फेंकनी हुई ना कबाड़ में तो मुझे दे देना। हाँ मैं पागल हूँ ना, मेरे माथे पे लिखा हुआ है पे अलिफ गाफ लाम पागल है। अच्छा अच्छा भाई दिमाग शार्ट नहीं करो, इफ्तारी नहीं कराओगे? टाइम हो गया यार इफ्तारी का। मैं क्यों कराऊंगा इफ्तारी, करा दो ना भाई, करा दे भाई। चलो यार थोड़ा सवाब कमा लेता हूँ, ब्लैक तो ले लिया, ब्लैक का पैसा थोड़ा व्हाइट कर देता हूँ। अच्छा घर किधर है आपका भाई? हाँ हाँ घर ही लेके जा रहा हूँ भाई आपको, आजो आजो। अभी यार जंप मारना पड़ेगा यहाँ से, हम उधर से आते हैं ठीक है। हाँ घूम के आजो कोई मसला नहीं है, तब तक तो मैं भाग ही जाऊंगा। नहीं यार गाड़ी खड़ी है ना अपनी पीछे, ये मसला हो गया ना। चलो कोई मसला नहीं है, आज करा देता हूँ अफ्तारी। यार बेचारे भूखे हैं, मुझे गाड़ी देने के लिए इतनी दूर तक आ गए बेचारे। जल्दी आओ, ये जल्दी आओ, ये है मेरा घर, यहाँ भी कुर्सियाँ लगा देता हूँ और बाहर ही बिठा के अफ्तारी कराऊंगा। आगे हो भाई, ये छोटा बेटा भाग के आराम से जा। अस्सलाम अंकल, मेरे के लिए जायदी इफ्तारी बनाने दो पकड़े, 10 समोसे। हाँ, हाँ, बेटा जैसे तू भाग के आ रहा था मुझे समझ आ गई थी कि ये सबसे ज्यादा खाएगा वो तेरा मुझे, बाप। और मुझे दो कोल्ड ड्रिंक ठीक है मेरे लिए, और मेरे के लिए एक। वो बंदा भी आपके साथ ही है, वो जो भागता आ रहा है मैकेनिक? हाँ वो भी हमारे साथ है। वो मामू है मेरे, ठीक है मैकेनिक ने बोली फ्री ना हो, ठीक है दो डोज इसे तुमने खरीद ली इससे रिचार्ज है। अच्छा अच्छा भाई सिर नहीं चढ़ा, इधर आप लोगों का सामान मैंने लगाना है ठीक है। मैं अभी इफ्तारी बना रहा हूँ, नीला कलर बहुत सूट कर रहा है बेटे तुझ पे। सूट कर रहा है तू मेरे से ज्यादा फ्री ना हो? कौन फ्री हो रहा है बेटे, शक्ल देगी अपनी, एक चमाट लगाऊंगा, बच्चे प्यारा लग रहा है, मैंने कहा कितना प्यारा बच्चा है। चमाट लगा फिर तुझे इधर लुटा के डंडे मारूंगा। मैंने कहा 10 रुपए की टॉफी भी दे दूंगा। आराम से बात कर, आराम से। आराम से ही कर रहा हूँ भाई, मैं क्या मुँह से आग निकाल रहा हूँ। लगता है इसके पैसे जाया हुए ना तवे पे बैठा है बेचारा। किसके पैसे जाया? तेरे और किसके, गाड़ी खरीदी है ना तूने? यार बस करो यार, इतने मजे की गाड़ी है, पैसे जाया नहीं हुए समझ आई? जल्दी कर शाबाश। हाँ बैठो बैठो, चुप करके बैठो। कहाँ बैठे, जमीन पे बैठे, कुर्सियां ला, बैठ जाओ बैठ जाओ, मर के इसी जमीन के अंदर जाना है। कुर्सियां लेके आया यार,
ला रहा हूँ। चलो भाई कुर्सियाँ दे आता हूँ इनको, पहले भी थोड़ी कुर्सियाँ दे आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कम ना पड़ जाए ना, बंदे बहुत सारे हैं, 5 जने आ गए हैं मेरे घर इफ्तारी करने। हाँ भाई और कुर्सियाँ ले आया हूँ। ये लो भाई मैकेनिक भाई आप बैठो। ओ भाई मैकेनिक जरूरत नहीं है अभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुर्सियों पे इफ्तारी रख लेना, रख के खा लेना। क्यों जरूरत नहीं है बेटा, मैंने बैठना नहीं है क्या? मैं नीचे बैठूंगा। भूल गया था, मुझे लगा आप नीचे बैठ के इफ्तारी खाएंगे। मैं सदके मैं कुर्बान जिमी बेटा, कितना अच्छा इंसान है यार तू। अच्छा चलो भाई बैठ जाओ, ये कुर्सियों पे बैठ जाओ और इफ्तारी करके जाना। हाँ वैसे हम जाने भी नहीं वाले भाई, जितने हम बेगैरत लोग हैं ना, खाए पिए बगैर तो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। जितने बिस्तर में सारा खाना आपको खाएंगे। चले भाई इफ्तारी का टाइम तो होने वाला है, मैं टेबल लाता हूँ और साथ इफ्तारी भी लाता हूँ खाने का सामान। जी अंकल ज्यादा ना, मैंने बोले 2 समोसे 2 पकौड़े और 2 आम 2 माल्टे। हाँ बेटा तू, तेरे यहाँ तो मैं मुलाजिम लगाऊँ ना, 2 चप्पलें लगाऊंगा सीधा हो जाएगा। जो दाल दलिया बने चुपचाप खा लो। अभी तो मैंने रोज रोज पे टिकट भी लगानी है, 10-10 रुपए ही, सारे मोहल्ले के बच्चों को रोज रोज दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम रह गया इफ्तारी में। मेरी बीवी इतना डांट रही थी मुझे, कह रही थी हर बंदे को इफ्तारी कराने बैठ जाते हो, शर्म तो तुम्हें नहीं आती। अभी मैं इनको इफ्तारी दे आता हूँ यार, सवाब का काम होता है, लेकिन बीवियों को समझ नहीं आती, हर वक्त गुस्सा करती रहती हैं। अभी रोल्स रॉयस भी मैंने इसी के लिए लिए, लेकिन इसको समझ नहीं आएगी। हाँ ले छोटे बेटे, समोसे तो नहीं मिले, बर्गर लाए हो तुम दोनों के लिए। जी बड़े अच्छे हैं आप अंकल, मेरे के लिए कोका कोला भी लाए हैं। हाँ ये मामू के साथ बांट के पीनी है, ठीक है। और यार बंदे देखो, ये तुम 3 कुर्सियों जोड़ के बैठ गए हो यार, ये टूट गई तो मेरी बीवी ने मेरा सर तोड़ देना है। हाँ यार कुछ नहीं होता मेरा, इतना भी वजन नहीं है। चलो अच्छा जल्दी रखें, टाइम हो गया इफ्तारी का, जल्दी जल्दी खाओ यार जल्दी।